मां शूलिनी सेवा समिति द्वारा सोलन शहर में आज मेले के दौरान लगाए जाने वाले ध्वजों का शूलिनी पीठ मंदिर में पूजन करवाया गया। इसके बाद जहां से भी माता की डोली शहर में जाएगी वहां पर यह ध्वज लगाए जाएंगे। करीब 400 ध्वज इस दौरान मां शूलिनी सेवा समिति की तरफ से लगाए जाएंगे। वहीं गुरुवार को खजाने का पूजन किया जाएगा और शुक्रवार से मेला शुरू हो जाएगा। मां शूलिनी सेवा समिति के प्रधान अग्रवाल ने बताया कि मेले के लिए सेवा समिति पूरी तरह से तैयार है। कार्यक्रम रहा और अगले क्या कार्यक्रम है आपके? जो आज जो हम शहर के अंदर 400 झंडे लगाते हैं और 100 झंडा जो है शूलिनी माता डोले के पीछे चलता है, उसका आज हमने ध्वजा पूजन करवाया है। वीरवार को जो हम खजाना बांटते हैं 11 बजे करीब करीब उसका पूजन करवाएंगे, और शुक्रवार को जब भ्रमण पे आएंगे तो उसके आगे झांकी है और जो डोला उठाने का वो हमारी समिति करती है ना, सब मिल के हम करते हैं, तो वो वाला कार्य है। हमारी कब से शुरू किया गया और किस प्रकार? ये कोई 5 साल हो गए हमें, जो हम सिक्के वगैरह बनाते हैं और 50,000 सिक्का हर साल बनवाते हैं जो कि हम मेले में खजाने के रूप में बांटते हैं मां शूलिनी सेवा समिति की ओर से, और सब मिल के बनाते हैं हम इसको जी। तो आज ध्वज पूजा की गई, इसके बाद क्या कार्यक्रम रहेगा? वीरवार को हमारा जो होगा खजाने का पूजन होगा और शुक्रवार को जो मेला है वो आज अभी तो ध्वज पूजन के बाद हम लोग सारे के सारे पूरे शहर में ध्वज सारे के सारे शहर में हम ध्वज लगाएंगे जो डोली के पीछे चलेंगे। लगभग कितने ध्वज लगाए जाने वाले? 400 के लगभग। 400 कहां से कहां तक लगाए जाएंगे? जहां जहां से माता का डोला जाएगा रूट वही रहेगा। जय करे शूलिनी मैया का।